चलिए सर स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट का बात आ रहा है। आप लोग इस तरफ आ रहे हैं, लास्ट लाइन में बैठे आ गया, जगह है यहाँ पे बैठा हुआ। आप कहीं जरा साथ चेयर कर लें, गैप खत्म कर लें, आप गैप खत्म कर लें जरा, वो चेयर और आ गया। आप कहीं जरा चेयर्स पास स्टो वाले ना साथ कर इधर बैठो, इधर आ जाएंगे आप ही तरफ, थोड़ा साथ साथ कर। अरे मिल जाएगा सर, सही मिल जाएगा। ये बेटा सबसे पहले कोई कैंडी जरा स्टार्ट करने से पहले कोई भी बात, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो F1 के साथ पास पार्ट है, कैंडी मुझे बताना जरा कैंडी, कितने लोग ऐसे, क्या मैं एक बार अपना क्वेश्चन जरा कंप्लीट करना जरा, सॉरी, क्या आपने F1 भी पढ़नी है और पास भी पढ़नी है? काफी सारे होंगे, और जिन्होंने F1 पढ़ ली है वो जरा बता दें कितने, नहीं रहे मैं, मतलब मेरा सवाल ही शायद सही उतने ही हाथ पहले उठे थे दोबारा। आप में से वो हजरात जिन F1 का पेपर दे दिया है और पास पार्ट है, जो हजरात बेटा पढ़े इस वक्त F1 भी पढ़ेंगे साथ, नहीं बस नहीं आपको बात करूँ, आप बस सब खत्म हो गए। जो लोग F1 भी पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम और कॉस भी फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, नहीं बस ठीक है बेटा, वो चाहे कोई एक है दो सौ है जो भी है, तो मैंने बात नहीं हुई मैं कर लूंगा। आप लोगों ने जो कॉस्ट है ना खास तौर पर, प्रॉब्लम असल में आपका ये है कि अभी आप, मेरा गुमान ये है कि आप में से मेजोरिटी फिर AFC वाले होंगे, कुछ हो सकता है PRC वाले हों, लेकिन उनका उनका अभी तक पेपर नहीं हुए, इसलिए वो तो मेरा ख्याल है शायद अगर होंगे भी तो वो देंगे या ये देंगे, PC चक्कर में होंगे। इधर दरवाजा बंद कर दो, प्रॉब्लम क्योंकि अभी अकाउंटिंग की बेस नहीं है, आपको अकाउंटिंग का आइडिया ही नहीं है शायद, ठीक है। तो आप लोगों ने काइंडली खास तौर पर जरा एक्स्ट्रा एफर्ट रखनी है पॉस्ट में, हो सकता है शुरू शुरू में मेरी कुछ बातें आपको इसलिए समझ ना सकें क्योंकि आपको अकाउंटिंग का पता नहीं है, लेकिन अब क्योंकि आपने हिम्मत की है कॉस भी साथ पढ़ने की, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कुछ हफ्ता का आपने मेरे साथ साथ कोशिश करते रहने का, ठीक है। जिन लोगों ने F1 पढ़ लिया है आप लोगों के लिए अब कोई इशू नहीं, और जिन लोगों ने अब F2 भी साथ रख लिया है उनका अब कोई इशू नहीं है, बाकी ये कॉस्ट है क्या वगैरह क्या है ये तो मैं इंशाल्लाह बात कर लूँगा। प्रॉब्लम आएगा उन लोगों को जिन्होंने F1 के साथ कॉस्ट पढ़नी, तो आप लोगों का डेफिनेटली कुछ जरा एक्स्ट्रा एफर्ट ही रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। और कुछ दिन हो सकता है आपको यूज टू होने में जरा टाइम लगे, तो अब इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं होगी। आप लोगों से खास तौर पर मैंने पहले बात इसकी की है कि चैलेंज आपके लिए जरा बड़ा है, ठीक है, विदाउट अकाउंटिंग दो कटी अकाउंटिंग पढ़ना जरा थोड़ा टफ हो जाएगा। थर्ड सब्जेक्ट कौन सा नॉर्मली रखा होगा साथ में, लॉ, लेकिन बड़ा ये असल इशू में अकाउंटिंग्स का ही आएगा, बाकी चीजें तो फिर टैक्स हो या लॉ हो ये फिर एट द एंड ऑफ द डे ही बन जाता, उनका सिलेबस भी ज्यादा नहीं है, कॉस्ट का सिलेबस है सबसे ज्यादा होगा, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो खास तौर पे जो लोग F1 के साथ कॉस्ट पढ़ेंगे, अगर कुछ दो चार दिन आपको जरा यूज टू होने में टाइम लगे तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और आईडी फिर ये रहेगा कि डेली बेसिस पे अगर कोई प्रॉब्लम्स आती जा रही हो तो चाहे क्लास के स्टार्ट में मुझे, हर रोज के स्टार्ट में मुझे मिल लिया करें या क्लास के एंड में मुझे मिल के जाया करें, ताकि मुझे फिर आइडिया, वैसे तो मुझे आइडिया हो गया पिछली दफ़ा की वजह से कि जिन्होंने अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं पढ़ी होती इस तरह के क्वेश्चन उनके जहन में आते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपके कोई जहन में क्वेश्चन हर रोज, वैसे मैं एक साथ साथ पूछूंगा कि क्वेश्चन अगर कोई है आपका, लेकिन इवन देन अगर कोई बात ऐसी रह जाए
जो आपको सही तरह क्लियर ना हो तो आप लोगों ने खास तौर पर जरा मेरे साथ क्लास के एंड में या अगले दिन क्लास के शुरू में मेरे से जरा मुलाकात रखनी है, ठीक है? खास तौर मैंने किससे क्लास की है, बाकी डेफिनेटली अगर कोई दूसरे भी हैं वो भी ठीक है, लेकिन खास तौर पर मैं जरा कॉन्शियस उन लोगों के लिए हूँ जिन्होंने FA1 भी पढ़नी शुरू करनी है, ठीक है? लेकिन मेरा ख्याल है आप हफ्ता 10 दिन बाद इंशाल्लाह जैसे जैसे आप FA1 भी पढ़ लेंगे उसके बारे में भी यूज होते रहेंगे तो चीजें जरा कंपेरेटिवली आसान हो जाएंगी, ठीक है? तो ये तो मैंने पहले बात इसलिए की है क्योंकि यहाँ हमारी जरा क्लास की जो ऑडियंस है वो दो तरह की है, FA1 पढ़ने के बाद है और कुछ FA1 भी अभी पढ़ेंगे और कॉस्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है? जहाँ तक अब जरा कहीं मुझे फाइनली बता दें FA1 साथ पढ़ने वाले जो लोग हैं कॉस्ट के साथ वो कितने हैं, बस आप कैंडी वही बताइएगा। अच्छा, इसका मतलब मेजोरिटी नहीं है, ठीक है? थैंक यू। तो आप लोगों ने जो भी हजार है मेरे साथ रस फास्ट मेरा क्लास के एंड ज्यादा बेहतर है, डेली बेसिस पे अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो मुझसे जरा क्लास के एंड में अलग मिल के जाएगा। हाँ, अगर इशू नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर इशूज को फेस कर रहे हैं आप तो पंडित साहब से फिर मुझे बताना, ठीक है सर? तो इससे पहले कि मैं किसी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हवाले से आपके सामने कोई बात रखूं, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए सबको कि ये जो अकाउंटिंग है इसमें एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो FA1 है या FA2 के नाम से है, और फिर अभी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे सामने आ गई है, तो इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन मेरा समझ आया ना, क्या क्वेश्चन क्या सामने रखा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन भी है, FA1 और FA2, तो एक तो वो है अकाउंटिंग और एक कौन सी अकाउंटिंग आपके सामने फर्स्ट पेज मिल गया सबको, जरा सिलेबस वाला पेज सामने रख के बोलने, जरा नाम क्या है? तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो जरा कहेंगे पहले एक छोटा सा डिफरेंस सही क्लियर होना चाहिए। देखिए, एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और एक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। और फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन है, फिर टू है, फिर फाइनल में भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक आप कह सकते हैं नेक्स्ट वेरिएशन जो आगे आएगी वो MFA है, MFA भी है, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग से लिंक है। असल में इनमें बस बेसिक फर्क क्या है, देखिए ये जो अकाउंटिंग है ना, जो ऊपर मैंने वर्ड लिखा अकाउंटिंग, हम अकाउंटेंट्स बिजनेसेस की ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ये तो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है सर? बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन एक फिर इसका इसकी वेरिएशन ये है कि हम इनका बिजनेस है ओनर्स, जो बिजनेस के ओनर्स होते हैं हम उनको बताते हैं कि उनके बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। ओनर्स के सामने अगर आपने परफॉर्मेंस रखनी है तो ये काम है फाइनेंशियल अकाउंटेंट का, और अगर हमने ये देखना है कि बिजनेस में जो चीजें बनाई जा रही हैं उन चीजों को बना के कितनी कॉस्ट इंकर हो रही है, चीजों को बनाने में कितना खर्चा हो रहा है, चीजों को बनाने में खर्चा होता है अगर आप कोई भी चीज बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई चेयर बनाएंगे, चेयर जिस पे आप बैठे हैं इसको बनाने में कोई कॉस्ट इंकर होती है, अगर आप ये चीजों को बनाने की कॉस्ट इकट्ठी कर रहे हैं कि कितनी कॉस्ट किस चीज की, कितनी कॉस्ट आई है, ताकि फिर आप सेल प्राइस के डिसीजन ले सकें, कॉस्ट का पता होगा तो प्रॉफिट रख के आप चीजें बेच सकेंगे, तो मैनेजमेंट ने चीजें कितने की बेचनी है, कितना खर्चा आया, कितना प्रॉफिट रखना है, सेल प्राइस कैसे डिटरमिन करनी है, तो ये बड़ा जो काम है ये कौन करता है? ये फिर कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटेंट का पहला काम क्या होगा? वो कॉस्ट चीजों की कॉस्ट इकट्ठी करता है, ठीक है? और फिर वो कॉस्ट इकट्ठी करके बिजनेस की मैनेजमेंट को दे देता है, और ताकि वो मैनेजमेंट डिसीजन ले सके कि इसमें कितना प्रॉफिट रख के सेल प्राइस कैसे डिटरमिन करें। किसी भी प्रोडक्ट की सेल प्राइस आप कैसे बनाएंगे? आप अगर कोई बिजनेस है तो आप सेल प्राइस तक कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहले कॉस्ट पता होगी, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये कॉस्ट आएगी, फिर आप डिसाइड करेंगे कि इसमें कितने रुपए प्रॉफिट के रखने हैं, फिर वो प्लस करके आप सेल प्राइस डिटरमिन कर रहे हैं।
जो कॉस्ट की कैलकुलेशन है उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होते हैं, वो टेक्निक्स आप कहाँ पढ़ेंगे? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिलेबस में पढ़ेंगे। और प्रॉफिट या लॉस की डिटर्मिनेशन कैसे होनी है, एक्सपेंसेस वगैरह की कैलकुलेशन कैसे होनी है, ये फोकस किस पे होता है? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन के लिए इनकम और एक्सपेंसेस की मेजरमेंट करते हैं, और कॉस्ट अकाउंटेंट का काम क्या होता है कि वो कॉस्ट कैलकुलेट करके प्रॉफिट ऐड करके सेल प्राइस के डिसीजंस ले रहा होता है। मैं डेफिनेटली इसमें बिल्कुल एक सिंपल से ऐसी बात कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा फर्क सामने आ जाए, ठीक है। अब ये कुछ जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल अकाउंटेंट अलग हो और कॉस्ट अकाउंटेंट अलग हो। अगर कोई स्मॉल साइज बिजनेस है तो हो सकता है एक ही शख्स हो जो कॉस्ट अकाउंटिंग भी कर रहा हो और फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कर रहा हो, पूरे साल वो चीजों की कॉस्ट भी डिटरमिन करता जा रहा हो और साल के एंड में फिर प्रॉफिट के डिसीजंस भी, प्रॉफिट कितना हो ये कैलकुलेशन भी वही कर रहा हो। तो इस केस में कॉस्ट अकाउंटेंट और फाइनेंशियल अकाउंटेंट एक ही शख्स हो जाएगा। लेकिन अगर बड़े साइज का बिजनेस है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, ठीक है, तो फैक्ट्रीज में फिर कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं और हेड ऑफिस में फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स अलग होते हैं। तो ये जो फंक्शन है अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग पर्सन इन फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि एक ही अकाउंटेंट क्या क्या इकट्ठा हो जाए, लफ्स बोले कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो जाए और फाइनेंशियल अकाउंटेंट। फोकस असल में बस क्या है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ मैं वापस आता हूँ कि हमारा मेन काम क्या है कि चीजों की कॉस्ट डिटरमिन करना ताकि फिर प्रॉफिट्स ऐड करके सेल प्राइस डिटरमिन की जा सके। और चीजों को अगर आपने बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मैन्युफैक्चरिंग वर्ड सुना कभी? चीजों को अगर बनाना है तो बनाने में तीन मेन कॉस्ट इंकर होती है। सबसे पहले बस एक चेयर की एग्जांपल सामने रखना है, तो इस चेयर पे एक मटेरियल लगा, तो क्या इस मटेरियल को किसी एम्प्लॉय ने इकट्ठा किया होगा? फिर लेबर कॉस्ट होती है, मटेरियल कॉस्ट है। फिर इस काम के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्रीज होती हैं, तो फैक्ट्री में फिर बिजली के बिल आएंगे, पता आएंगे सर। ये जो अदर एक्सपेंसेस है वो भी इस मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में जो इंकर होंगे तो उन्हें फिर ओवरहेड्स बोला जाता है। क्या लफ्ज़ बोला मैंने? तो तीन कौन से खर्चे गिनवा रहे हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के जो खर्चे हैं अगर इन्हें प्लस कर लें तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग करते हुए हमारा मेन फोकस ये होगा कि हम चीजों की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखें, ठीक है सर। थोड़ी सी बात को समझ आई वैसे मैंने क्या बोला, इसको ध्यान में रखते हैं। सिलेबस की तरफ पहले आ जाए, एक फर्स्ट पेज अभी आपको मिला, इसको काइंडली सामने रखते हैं। स्टूडेंट्स आते बाकी ये मैंने अभी जो बातें की ऐसे तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे जो जरूरत पड़ेगी मैं इंशाल्लाह खुद आपसे कहूंगा। बुक्स की भी आपको पता है, बुक्स की भी टेंशन आपने कंटिन्यू नहीं लेनी है, जो जो चीज जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी सब कुछ इंशाल्लाह आपको मिलेगा। फर्स्ट पेज है सामने रखना है और उसके जरा सेंटर में कहीं स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंसेस के नाम से जो हेडिंग है इसको जरा पढ़ेंगे। ये सारी चीजें चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी ने पहले पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई, सबके लिए तकरीबन इसमें मेजोरिटी चीजें नहीं है, ठीक है। तो इसको आपके सामने सिर्फ रखने का मकसद ये है कि थोड़ा सा जनरली आइडिया हो जाए कि टॉपिक्स के नाम बस क्या है। तो एक दफा सर सी सब उसको पढ़ लगा, नंबर वन से शुरू करें। जिन्होंने एफ वन थोड़ी पढ़ी हुई है तो शायद आप इस वर्ड से फेमिलियर हो, वेटेड एवरेज, लोअर ऑफ कॉस्ट एन आर बी, ये क्या है? बस जो भी है अभी आगे चले। फिर कुछ डायरेक्ट खर्चे होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, क्या होते हैं फिर बाद में बात करेंगे। फिर ओवरहेड्स में वेरिएबल भी होते हैं, सेमी वेरिएबल भी और फिक्स कॉस्ट भी होती हैं, बोलते रहे नाम सब जस्ट। आगे क्या लिखा हुआ, इन दोनों के साथ इन दोनों को इकट्ठा करके फोर एंड फाइव को लिखा जरा। एक फिर वर्ड यूज होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो क्या होता है वो भी मैं इंशाल्लाह आज वहीं से शुरू करूंगा, बस फोर और फाइव को इकट्ठा कर लूंगा। फिर एम्प्लॉइज के एंगल से टॉपिक का नाम लिखा हुआ है लर्निंग कर्व। कोई भी अगर आप नई चीज पढ़े तो उसे समझने में टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बचपन, आपने आपसे पूछा जाए बचपन जरा जहन बनाए, जिस कभी नहीं बचपन, बहुत बचपन, डेप्रिसिएशन भी किसी ने नहीं सुना है। किसी जमाने में अगर आपने 2+2=4 समझा होगा
लोगों ने समझाने के लिए इसमें बड़ा टाइम लगाया, लेकिन होपफुली कम से कम हम इस लेवल पर जरूर है कि अगर 2 + 2 = क्या है, तो निकल ऐसा 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 क्या हुआ, चीजें सीख की सीख के कुछ चीजें टिप्स पे आ जाती हैं, इसे बोला जाता है लर्निंग हो जाती है। बस ना आपका मैं भी चेयर की एग्जाम्पल दे रहा था, अगर एम्प्लॉय चेयर बना रहे हैं तो फर्स्ट टाइम अगर कोई चेयर का मॉडल बने, कोई नई चेयर का फर्स्ट टाइम डिजाइन अगर बनाया जाए, तो शायद उसे कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा, और बाद में अगर उसी मॉडल की चेयर को बार 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 बनाया जाए, तो क्या रेपिटेशन होने से कोई लर्निंग हो जाती है? और लर्निंग हो जाने से फिर क्या होता है, टाइम सेव हो जाता है, और टाइम सेव हो जाने से फिर चीजों को बनाने की कॉस्ट भी कम हो जाती है। वही काम जो शायद पहले 1 घंटे में होता था, अगर बाद में आधे घंटे में हो जाए, तो अगर 1 घंटे के बिजली के बिल लग रहे थे, तो बाद में हाफ आवर की बिजली की कॉस्ट आएगी, और अकॉर्डिंगली आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट होता है, मैंने इस तरह से आपके सामने बात रखी। देन उसके बाद फिर ये 7 और 8 को इकट्ठा करना, एक डिसीजन मेकिंग के एंगल से चैप्टर हमारा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग, फिर एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आपको डिसीजंस लेने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप 4 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अगर कोई प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है, लॉस में जा रही है, तो क्या उसको बनाना बंद कर दें या बनाते रहें? लेकिन अगर वो प्रोडक्ट लोग बाकी 3 प्रोडक्ट्स लेते ही उसकी वजह से थे, तो फिर इस तरह के भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स बनाते जाएं, चीजें फिर फिनिश फॉर्म में बेचें या रॉ मटेरियल फॉर्म में ही उसे कन्वर्ट करके बेच दें। तो बहुत से डिसीजंस भी हमें लेने पड़ते हैं जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नंबर 9 सर, एक ब्रेक इवन एनालिसिस होता है। ब्रेक इवन शायद आपने कहीं वर्ड सुना हो, ब्रेक इवन किसे कहते हैं? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस 0, प्रॉफिट या लॉस हो, 0 कब होता है प्रॉफिट या लॉस? 0 कब होता है? इनकम और एक्सपेंसेस का वर्ड होता है, सबको पता है इनकम। अगर मैं कहूँ कि 1 लाख इनकम है और 80,000 को एक्सपेंसेस है, तो ये ब्रेक इवन नहीं है, प्रॉफिट है। 1 लाख इनकम है और 1,50,000 किसी वजह से एक्सपेंसेस हो गए, तो ये लॉस है। ब्रेक इवन होता है इनकम और एक्सपेंसेस इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख इनकम है तो एक्सपेंसेस भी अगर 1 लाख ही है, नेट आंसर 0 आ जाए, ना प्रॉफिट है ना लॉस, उसे क्या बोला जाता है? इसके साथ लिखे ब्रैकेट में, ब्रेक इवन मींस नो प्रॉफिट लॉस, नो प्रॉफिट और लॉस। क्या बिजनेस को ब्रेक इवन पे होना चाहिए? लेकिन कम से कम ये पता होना चाहिए कि ब्रेक इवन के लिए कितनी इनकम जरूरी है, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि लॉस अगर नहीं करना तो कम से कम इनकम कितनी होनी चाहिए। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि बिजनेस ब्रेक इवन होना चाहिए, आइडियली बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में होना चाहिए। लेकिन समटाइम्स एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये आपको शायद आइडिया होना चाहिए कि कम से कम कितने यूनिट तो बेचने ही बेचने हैं, ताकि लॉस कम से कम ना हो। ये समझ आ रही है? कम से कम कितने यूनिट्स बेचें कि लॉस ना हो, दैट लेवल इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन लेवल। तो ब्रेक इवन लेवल पे क्या होता है? प्रॉफिट लॉस 0। तो हमें पता जरूर होना चाहिए, लेकिन इट डजंट रियली मींस कि हमें ब्रेक इवन पर रहना। हम फिर कोशिश क्या करेंगे कि इस लेवल पे तो ब्रेक इवन होना, इससे ऊपर जाना या नीचे रहना, ख्वाहिश क्या होगी? कितना प्रॉफिट होना चाहिए? जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा। मैं याद, एक ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट में नहीं, इसके आगे एंड चार्ट लिखा होगा, तो कुछ ग्राफ्स भी हैं आपके सिलेबस में। फिर नंबर 10 में भी ये प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट ग्राफ्स कभी बनाए? लेकिन नहीं बनाया, इंशाल्लाह बनाएंगे। फिर देन एक नंबर 11 है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसकी जरा एक अब्रीवेशन लिखना, EOQ। ये मटेरियल से रिलेटेड एक डिस्कशन है। मेरे ये वर्ड सिर्फ आपके सामने एक्सप्लेन करने का मकसद इस वक्त ये है कि फर्स्ट टाइम हमारे लिए तो कुछ ना कुछ हम फेमिलियर हो जाए, लेकिन चीजें मेजोरिटी केसेस में हम सबके लिए नहीं। और उसके बाद फिर ये 12 से लेकर 17 तक जो है, एक आपका हमारा इस सिलेबस का मेन एरिया है, वेरिएंसेस। वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस लिखा, वेरिएंस एनालिसिस।
वेरिएंस एनालिसिस का कॉन्सेप्ट सर जी ये है। अभी आप लोगों ने बजट लव सुना, बजट लव सुना सर जी, कब बनता है? हम अपने मौजूदा बजट के बारे में सोचा, तो जून में जो बेटा पेश होता है ना अगले साल का, तो पीरियड के स्टार्ट में सॉर्ट ऑफ प्लानिंग की जाए, पीरियड से पहले क्या नेक्स्ट पीरियड का एक प्लान बनाया जाता है कि हम नेक्स्ट पीरियड में क्या करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका प्लान ये था कि नेक्स्ट ईयर 50 मिलियन सेल होनी चाहिए, है या होनी चाहिए? ये प्लान सेल 50 मिलियन। अब लेट्स अज्यूम साल गुजर गया, जब साल गुजर गया तो एंड में आपको एक्चुअल सेल का भी पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्चुअल सेल हुई है 48 मिलियन, प्लान सेल क्या थी और एक्चुअल, तो एक डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है? 2 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस वेरिएंस है, क्या ये वेरिएंस फेवरेबल है या एडवर्स है? 50 मिलियन की सेल करना चाहते थे और 48 मिलियन की सेल हुई है, 2 मिलियन का एक वेरिएंस है, क्या फेवरेबल सिचुएशन हुई है या एडवर्स हुई है? क्या ये वैसे हो सकता है एक्चुअल रिजल्ट्स और बजटेड रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाए? वो एक प्लानिंग थी जो हमें उस वक्त एक्सपेक्टेड था, उसकी बेस पर हमने वर्किंग कर ली। फिर एक्चुअल रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, और एक्चुअल रिजल्ट्स अगर हमें अच्छे लगेंगे कंपैरेटिवली बजट के साथ तो फेवरेबल होगा, अदरवाइज एडवर्स होगा। अपना बिजनेस समझें, 50 मिलियन सेल एक्सपेक्टेड थी और 48 मिलियन हुई है, फेवरेबल वेरियंस है या एडवर्स है? 10 मिलियन के एक्सपेंडिचर होते थे और 8 मिलियन के एक्सपेंडिचर हुए, वेरियंसेस की बेस पे भी ये डिसीजन होता है कि फेवरेबल वेरियंसेस हैं या एडवर्स हैं। फिर अगर फेवरेबल है तो जिसकी एफर्ट की वजह से फेवरेबल हुए उसको शायद कोई इंसेंटिव देना चाहिए इस डिपार्टमेंट की मेहनत से, और अगर कहीं एडवर्स वेरियंसेस हैं तो यकीनन फिर उसको बिठा के जरा पूछ लेना चाहिए प्यार मोहब्बत से, भाई जान आखिर क्या हुआ। तो बिजनेस को अगर आपने कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना है तो इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है? वेरियंस एनालिसिस। तो मैंने सिर्फ एक आपको जरा सेल्स और एक्सपेंसेस के एंगल से बात की है, बाकी ये मटेरियल वेरियंस हो सकता है वैसे कि मटेरियल लगना कितना चाहिए था और लगा कितना है, मटेरियल फेवरेबल वेरियंस कब होगा और एडवर्स कब होगा? अगर कम मटेरियल लगा है तो फेवरेबल होगा, अगर ज्यादा लग गया तो एडवर्स होगा। ये जो 12 से 17 तक है इस पर कॉमन देखें वेरियंसेस वर्ड आएंगे सबके एंड में, लेकिन 12 में किसके वेरियंसेस हैं? दोनों जरा लफ्ज के, मटेरियल के, फिर लेबर के, फिर ओवरहेड्स के। फिर ओवरहेड्स में दो हिस्सों में लिखे हैं, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। फिर मटेरियल के मिक्स यील्ड वेरियंसेस भी होते हैं, सेल वेरियंसेस भी होते हैं। तो ये सबको इकट्ठा करके क्या बोला जा सकता है? वेरियंस एनालिसिस। देन मैडम इसमें दो तीन टॉपिक्स ये कॉपी कराते आए नहीं है, तो फंडी जरा फैन हाथ में रखते जरा, तीन टॉपिक्स और भी हैं मेन, जरा लिखे 18 नंबर लिखे। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट एक टॉपिक हमारा है, अब ये क्या है डेफिनेटली इसको तो जरूरत नहीं। एक प्रोसेस कॉस्टिंग है, बड़े बड़े ये टॉपिक्स हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, और फिर एक 20th लिखें टारगेट कॉस्टिंग भी है। ठीक है, एक शॉर्ट सी समरी आपके सामने सिलेबस के हवाले से। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो रियल चैलेंज वही है कि इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यकीनन क्लास में हम बहुत सी प्रैक्टिस की कोशिश तो करेंगे, लेकिन जब तक आप घर जाके अगर मैं कोई क्वेश्चन दूं उसे री अटेम्प्ट नहीं करेंगे, दोबारा कोशिश नहीं करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का रियल चैलेंज ये है कि क्वेश्चन सॉल्व करके लिखने पड़ते हैं। ठीक है, सिर्फ देखने से आंसर गुजारा नहीं है, और थोड़े से क्वेश्चन कर लेना सफिशेंट नहीं होता। तो जो प्रॉब्लम हमारा अनफॉर्चुनेटली हिस्टोरिकली जो मुझे आइडिया हुआ वो ये है कि हम साथ साथ नहीं चल पाते। जब भी टॉपिक्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे और कोई पिछला टॉपिक रह जाए तो फिर हर चीज़ शायद आपस में लिंक्ड है जिस तरीके से हम पढ़ेंगे, तो पिछला टॉपिक अगर क्लियर नहीं है तो अगले टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो मिनिमम जो चीज़ें रिक्वायर्ड हुई है नंबर 1 कि डेली बेसिस पे क्लास में आ जाए, अंडरस्टूड बात है सर, टाइम पे आ जाए, टाइम पे आ जाए।
और कब तक ये टाइम पे डेली बेसिस में आ जाए, जब नहीं पेपर वाले दिन तो कम से कम जब तक क्लासेस जा रहे, ठीक है। घर के लिए अगर काम मिल जाए तो अगले दिन क्लास में आके करेंगे, ये 82 दिन चलेगा। फिर रमजान आ जाना है, मैं शायद FA2 में बात कर रहा था, तो ये सुबह सुबह क्लास है, सुबह सुबह ही है ना 9:30, तो सारी रात इसमें इबादत हो रही है आजकल। सही के बाद तो नौजवान सोते हैं, बाकी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ना। अगर आपकी क्लासेस मिस हो जाए तो ठीक है, वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, अदरवाइज भी अवेलेबल है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स खासतौर पर जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये 60 60 लेक्चर्स भी लोग एक्यूमुलेट कर लेते हैं और फिर आखिरी महीने में मिल रहे होते हैं, सर मैं कैसे कवर करूँ। तो आप मुझे ऐसे वो पूछ रहे होते हैं जैसे मैंने हमेशा जिंदगी में ऐसे ही कवर किए, मतलब वो काम जो 4 महीनों में नहीं हो सका वो 1 महीना भी, अब अगर लेक्चर्स ही कवर करने हैं तो वो तो उसके बाद रिवीजन भी करनी होती है, तो डेफिनेटली वो टाइम वेस्टिंग होती है। ठीक है, तो प्लीज ये फैसिलिटीज रिकॉर्डिंग लेक्चर वगैरह की सिर्फ इसलिए है कि अगर कभी कोई किसी जेन्युइन रीजन की वजह से आपकी क्लास मिस हो जाए, ठीक है, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ह्यूमनली, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि जिन लोगों ने फिजिकल एडमिशन लिया है वो काइंडली फिजिकली ही क्लास में रेगुलरली आए, और जिन्होंने ऑनलाइन एडमिशन लिया है आप जिस टाइम क्लास होती है उस टाइम ऑनलाइन क्लास में उसमें जरा पार्टिसिपेशन कम से कम रखिए। हाँ, कभी कोई चीज ना समझ आए, कोई रिवाइज करनी हो, या कोई लेक्चर किसी वजह से रह जाए, उसके लिए रिकॉर्डिंग जरूर यूज करें, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, डेली बेसिस पे थ्रू आउट द सेशन अपने आप को मोटिवेट रखें। अच्छा, अगर साथ साथ चलेंगे ना फिर अलहमदुल्ला कोई इशू नहीं होता, प्रॉब्लम तभी आना है जब चीजें एक्यूमुलेट हो जाती है। क्यों मिस्टर फुरकान? तो आई होप कि ये एक्यूमुलेट हो जाने वाली चीजों का प्रॉब्लम हम फेस नहीं करेंगे, ठीक है सर। तो आए जरा इसी जज्बे से ये पेज जरा साइड पर रखना, रजिस्टर खोलना। हाँ जी, हजरात को एक दूसरा सेट भी शायद डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या नहीं हुआ? अभी नहीं, अभी रहने दे, रहने दे, अगर नहीं हो तो रजिस्टर का पेज निकालो। हाँ, ये मोबाइल आपका काम ले लेगा। ये सर, अगर आप पेज शेयर हो गया तो कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम वाला पढ़ गया तो जिससे खोले राना साहब। चलो वेरी गुड स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं क्या लिखने लगा प्लीज पहले 1 मिनट जरा सुन लीजिएगा। आपको सिलेबस में 2 तरह के बिजनेसेस की काउंटिंग है, एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? एक बिजनेस ट्रेडिंग अगर कोई कर रहा है तो क्या मतलब है उसका? कभी चार शोरूम देखा आप लोगों ने, गाड़ियों का शोरूम जहन बना, बल्कि उसकी बजाय मोबाइल शॉप जहन बना, क्या वो जो मोबाइल शॉप वाला है उसने मोबाइल बना के रखे हुए, क्या कर रहा है? मोबाइल खरीद के बेच रहा है, गाड़ियों का शोरूम वाला कर रहा है, शोरूम वाला तो गाड़ियां खरीद रहा है बेच रहा है। अगर आप चीजें खरीद के एज इट इज बेच रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग कर रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली प्रॉफिट ऐड करके बेच रहे हैं। 1 लाख रुपए की अगर कोई चीज ली है तो 1 लाख का डेफिनेटली बेच रहे हो आप, एक 20 पीस जरूरी नहीं है, 1 लाख रुपए की कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके बेच रहे। तो चीजें खरीद के अगर आप बेच रहे हैं ऐसा बिजनेस क्या कहलाता है? ट्रेडिंग बिजनेस कहलाता है। आप अगर किसी शूज की शॉप को जहन बनाया जहाँ जूते बिक रहे हैं, अभी तो ट्रेडिंग सॉर्ट ऑफ हो रही है, लेकिन अगर हम होंडा कंपनी के एंगल से सोचें, टाटा कंपनी के एंगल सोचें, तो बिजनेसेस मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। तो 2 तरह के मेन बिजनेसेस आपके सिलेबस में कौन कौन सा? ट्रेडिंग बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग। देखिए पहले तो ये दो नाम लिखे,
बिजनेस में क्या हो रहा है, आइटम्स परचेज आसो, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या हो रहा है, आइटम्स रिड्यूस, ठीक है प्रोड्यूस्ड आसो, उसके फिर फर्दर बात कर लेते हैं, लेकिन ये प्रोड्यूस्ड है इसके साथ स्लैश करके लगाना है, मैन्युफैक्चर्ड इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज हो जाते हैं, प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड, मैं कह सकता हूँ चेयर मैन्युफैक्चर हो रही है या चेयर्स की प्रोडक्शन हो रही है, इंटरचेंजेबली वर्ड है, प्रोडक्शन आइटम्स प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड आर सोल्ड। फॉर एग्जाम्पल एक और एंगल से सोचे, कोई शर्ट लेने के लिए जहनी तौर पर किसी शॉप में जाएगा, इस शॉप पे आप जाकर परचेज कर रहे हैं, उस शॉप वाले ने शायद वो शर्ट्स बनाई ना हो भी सकता है, समटाइम्स उन्हीं कंपनीज ने भी अपनी आउटलेट्स बनाई होती हैं, लेकिन शायद उसने अगर शर्ट्स खरीद के रखे हुए और बेच रहा तो वो क्या कर रहा, वो ट्रेडिंग कर रहा, लेकिन आगे अगर हमारा मेन फोकस असल में कॉस्ट अकाउंटिंग में होना है मैनुफैक्चरिंग की तरफ, तो अगर शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है आपको, शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग मतलब शर्ट्स बना के स्टिच करके बेचनी है, तो आपको किसी जगह की जरूरत पड़ेगी जहां मैन्युफैक्चरिंग की जा सके। अब डेफिनेटली हमको बहुत छोटे साइज में, कुछ दर्जी की दुकान की बात नहीं कर रहे, वैसे तो अगर दर्जी की दुकान से हमें लाई जाए तो वो दर्जी की दुकान में क्या हो रहा है, नहीं वो शर्ट्स बना के बेच रहा है, ऐसे ही है सर, शर्ट्स सी के बेच रहा है सर, जी ऐसे ही कह रहा है सर, क्या जाता है उसके पास, कपड़ा जाता है, मटेरियल कपड़ा जाता है, फिर उसको स्टिच करता है और शर्ट्स दे रहा होता है, लेकिन आप दर्जी की दुकान में कोई फैक्ट्री सॉर्ट ऑफ जहां जरा बड़े स्केल पे शर्ट्स बनाई जाकर जा रही है, तो सबसे पहली चीज ये है कि मैन्युफैक्चरिंग अगर आपने करनी है तो आपको एक फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है, क्या मकसद है फैक्ट्री का, टू मैन्युफैक्चर द गुड्स, तो चाहे आप दरमियान में शुरू हो जाए, थोड़ा ट्रेडिंग वाली जगह पर, जरूरी नहीं कि आप सेंटर में जरा फैक्ट्री की तरफ आ जाओ, मैन्युफैक्चरिंग के नीचे मतलब जिस तरह मैंने शुरू किया या आप इस तरह आ जाओ, पहले अंदर थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को अंडरस्टैंड कर लो, मेन इस तरह कर लें आप पेज के दरमियान में ही आ, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में किस चीज की जरूरत पड़ती है, फैक्ट्री, ताकि क्या कर सकें आप, to manufacture the products या the manufactured goods, goods का मतलब चीजें, किसका अगर कोई क्वेश्चन होगा खासतौर पर जो बच्चे बिल्कुल ही मेरी तरह के अकाउंटिंग से बिल्कुल पहली दफा सुन रहे हैं अकाउंटिंग, कोई मसला होगा होगा, मैं आपके लिए खासतौर पर कोशिश कर रहा हूँ वर्ड आसान आसान करता रहा, कन्फ्यूजन तो नहीं कोई, मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ट्रेडिंग बातें हजम हो रही, बातें हजम हो रही सर, अब सर जी सर फर्स्ट करें, बल्कि फर्स्ट करें अपनी फैक्ट्री समझ, और इस फैक्ट्री में शर्ट्स बनने लगे हैं, क्या खरीद रहे होंगे और क्या बना रहे होंगे, मतलब अब ये भी बिल्कुल ठीक है, कपड़े इस कपड़े को भी धागे से बना जाता है, हम क्या खरीद के क्या बेच रहे हैं, हम क्लॉथ खरीद रहे हैं, क्लॉथ परचेज्ड एंड शर्ट्स आर सोल्ड, cloth is purchased, shirts are sold. ये नजर आ रहा जी काशु, एनी कंफ्यूजन सर, तो लेट्स अज्यूम कि आपकी अपनी फैक्ट्री है और आप क्लॉथ खरीद के शर्ट्स बनाना चाह रहे हैं,
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो चीज आप खरीद रहे हैं, इस केस में क्या खरीद रहे हैं, क्लॉथ, और फिर उसको किसी और चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, शेयर्स में, इनको कोई खास नाम दिया जाता है। तो जो चीज आप खरीद रहे हैं ताकि आप गुड्स बना सकें, उसे के बोला जाता है रॉ मटेरियल। हमें किसी टेक्निकल डेफिनेशन की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है हमें। रॉ मटेरियल अपने लफ्जों में बताएं किसे कहते हैं। अगर आपकी शूज फैक्ट्री है तो लेदर इज अ रॉ मटेरियल, ऐसे ही सर। अगर वो चेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो प्लास्टिक की चेयर्स अगर बन रही है तो वो रॉ मटेरियल है, और अगर लकड़ी से बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल किसे कहते हैं, जिससे गुड्स बनती है, जिसको खरीद रहे हैं ताकि उससे गुड्स बनाई जा सके। और फिर जिस चीज में आप अपने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना चाहते हैं उसे बोला जाता है, गुड्स को बोला जाता है फिनिश गुड्स। तो हमारे इस बिजनेस में शर्ट्स क्या है, फिनिश गुड्स। तो रिपीट करिए गांधी, रॉ मटेरियल किसे कहते हैं, रॉ मटेरियल किसे कहते हैं, इन चीजों को खरीद रहे हैं ताकि फिनिश गुड्स बना सके। और फिनिश गुड्स क्या है, इनको हम बना के बेचना चाह रहे हैं। तो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में खरीदेंगे क्या, रॉ मटेरियल, और फिर बेचेंगे क्या, रॉ मटेरियल को क्यों खरीदेंगे, इस्तेमाल किया जा सके ताकि फिनिश गुड्स में इस्तेमाल किया जा सके, और फिनिश गुड्स बना के फिर आप सेल करना चाहते, ठीक है सर। लेकिन लेट्स अज्यूम, क्या कभी ये भी हो सकता है कि किसी बिजनेस के ईयर एंड पे, लेट्स अज्यूम बिजनेस का एक साल खत्म हो गया, क्या ये हो सकता है कि कुछ रॉ मटेरियल पड़ा रह जाए, प्लॉट खरीद तो लिए है लेकिन अभी इस्तेमाल हुआ नहीं, नेक्स्ट ईयर होगा, क्या ये भी हो सकता है फिनिश गुड्स बन गई हो अभी सेल ना हो। लेकिन समटाइम ऐसे भी हो सकता है कि कुछ सेमी फिनिश गुड्स हो, शेल्फ्स की छोड़ रही थी और ईयर एंड आ गया, आधी बनी या कुछ बनी, ये जरूरी नहीं है। सेमी फिनिश गुड्स 50% बनी, 10% बनी, 90% बनी, फिनिश गुड्स ऐसे में किसे कहेंगे। सजी मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ, मेरी आवाज उधर से आ रही है, पूरी क्लास आपने ढूंढ ली, बंदा नहीं मिला, मैं इधर खड़ा, वो दोस्त ने सारा ढूंढ लेंगे क्लास का, वो इधर ही कहीं। फिनिश गुड्स उसे कहते हैं जिस पे आपने सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया हो, फिनिश गुड्स, शेल्फ्स पूरी सेल गई हैं, स्टिच हो गई हैं, फाइनल फॉर्म में, रॉ मटेरियल को भी हमने प्रोसेस करना शुरू करना है, रॉ मटेरियल पे कोई भी फर्दर काम भी नहीं हुआ होगा, क्लॉथ एज इट इज पड़ा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ सेमी फिनिश गुड्स है तो उसका मीनिंग है इस एग्जाम्पल के बेस पे कि कुछ शेल्फ्स अभी बन रही हैं लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल शर्ट्स पर अभी बटन नहीं लगे, स्टिचिंग अभी बटन रह गए, कॉलर नहीं लगे, तो कुछ काम अगर हो जाए और कुछ रह जाए तो ऐसी फिनिश गुड्स को बोला जाता है वर्क इन प्रोसेस, सेमी फिनिश गुड्स को बोला जाता है वर्क इन प्रोसेस। एक तीसरा लफ्ज लिखे हुए हैं, इन दोनों के दरमियान में समटाइम्स क्या हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस। सिंपल ट्रांसलेशन करेंगे आप वर्क इन प्रोसेस की, काम अभी चल रहा है। इन अदर वर्ड्स ये फिर गुड्स क्या कहलाएंगे, सेमी फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स भी बोला जाता है, लेकिन ज्यादा कॉमन वर्ड क्या है, वर्क इन प्रोसेस। अब देखो ठीक है, वर्क इन प्रोसेस है तो उसे फिर आपने कंप्लीट अभी करके फिनिश गुड्स में कंप्लीट करके फिर बेचना है। तो वर्क इन प्रोसेस बड़ा तो जरूरी नहीं है कि आधा काम हो गया आधा रह गया, 10% काम हुआ है तो वो भी वर्क इन प्रोसेस है। इवन अगर 99% काम भी हुआ है तो फिनिश गुड्स वर्ड का भी यूज करेंगे, या 100% काम है, ठीक है। अगर इस अकाउंटिंग पीरियड में, इस करंट अकाउंटिंग पीरियड में जिसमें आप अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, 10% काम हो गया है तो बाकी 90% कब होगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। अगर 60% हो गया तो 40 नेक्स्ट में, अगर 90% हो गया तो कुछ काम इस पीरियड में हो गया है, अगर 100% नहीं है तो वो भी वर्क इन प्रोसेस है, बाकी भी जब ये फर्दर कंप्लीट होगा, फर्दर काम हो जाएगा तब फिनिश गुड्स का हम वर्ड यूज करेंगे। तो रॉ मटेरियल किसे कहते हैं, रिपीट कर लेगा प्लीज, जिसका भी हमने प्रोसेस करना शुरू करना है,
फिनिश गुड्स जिसे हमने प्रोसेस कर लिया है और वर्किंग प्रोसेस जिस पर कुछ काम हो गया है, काम भी जारी है और कुछ अभी रहता है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में तीन तरह के स्टॉक समटाइम पॉसिबल है। स्टॉक किसे कहते हैं? जो चीजें बच जाए। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में तीन तरह के स्टॉक्स और डिफरेंट इसी के एक वर्ड फिर इन्वेंट्री भी है। तो नेक्स्ट एक हेडिंग लिखा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टॉक्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तीन तरह की चीजें, तीन तरह के स्टॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में पड़े हो सकते हैं। तीन तरह की चीजों के स्टॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में पड़े हो सकते हैं। शायद मैंने बात कर ली हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, किसी को समझ आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूँ? बताएं किस किस का स्टॉक पड़ा हो सकता है? रॉ मटेरियल भी हो सकता है। रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा होने का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल खरीद लिया है लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक का मतलब क्या है? कोशिश करें पता पता पता, इन चीजों पे कुछ काम हो गया है, कुछ अभी रहता है। ये चीजें भी पड़ी है लेकिन कुछ काम होने के बाद और कुछ अभी रिमेनिंग रहता है। तो वर्क इन प्रोसेस स्टॉक मीन्स कुछ काम हो गया है और कुछ काम अभी रहता है, चल रहा है काम अभी। और फाइनली लास्ट थिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक का मीनिंग क्या है? चीजें बना ली हैं लेकिन अभी बिकी नहीं है। लिख लेना तीन वर्ड दोबारा। एनी कंफ्यूजन यहां पर जी? मेरे अलावा सबको समझ आ रहा? मैं मेरी तो खैर तो कंफ्यूजन सर जी जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स दें सर जी। और आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्री के अंदर कौन कौन से एरियाज या डिपार्टमेंट्स होते हैं नॉर्मली? मैंने डायग्राम आपके सामने बनानी है लेकिन इस डायग्राम को आप बनाने से पहले और से देख रहे अंडरस्टैंड कर लीजिएगा क्योंकि मैंने एक बॉक्स बनाया, पता नहीं आपको कितनी जरूरत पड़ती। तो आप इस तरह करें, पहले रिलैक्स होके कोई अपनी फैक्ट्री समझें और कुछ सीक्वेंस में जरा सोचें उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की या कौन कौन से एरियाज की जरूरत पड़ेगी। तो फैक्ट्री आपकी है, थोड़ा सा मैं आइडिया अगर दे देता हूँ, शुरू मैं कर देता हूँ, बाकी फिर इंशाल्लाह एंड आपको। ये मैंने जो तीन लफ्ज अभी आपके सामने बोले हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, इन्हीं की बेस पे हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फैक्ट्री किसी जमीन पे होगी, तो बिल्डिंग सॉर्ट ऑफ बनी होगी, लेकिन मैंने आपके साथ डिस्कस ये करना है कि उसके अंदर क्या क्या होगा। मकसद इस फैक्ट्री का क्या है आप बता दें, आपको अभी तक क्या समझ आया? प्रोडक्शन करना है। सबसे पहले मैंने इसमें स्टार्ट में ले लेता हूँ, एक रॉ मटेरियल स्टोर रूम बनाया जाता है। लेट मी प्लीज फिनिश, फिर आप इस तरह लिखना चाहें, कोई अगर एक्स्ट्रा चीज बीच में ऐड करना चाहें वो भी कर लीजिए। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टोर रूम को ज़हन में लाएं, जब सॉर्ट ऑफ एक रूम है उस रूम को हम किस पर्पज के लिए यूज करेंगे? रॉ मटेरियल रखने की। अब थोड़ी सी जरा बड़े बिजनेस के एंगल सोचना आप। अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल, हम जब क्लॉथ खरीद रहे होंगे, क्लॉथ से शर्ट्स, हमने शर्ट्स बनानी है, क्लॉथ खरीद रहे होंगे, तो जब वो खरीद रहे होंगे तो उसका जो डिलीवरी ट्रक पे आएगी तो वो हम अपने रॉ मटेरियल स्टोर रूम में जो क्लॉथ है उसे ऑफलोड करवा लेंगे, ठीक है। फिर जैसे 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 जरूरत पड़ेगी रॉ मटेरियल स्टोर रूम से क्लॉथ कहाँ जाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थोड़ा सा मैंने जरा बड़ा सा बना लिया। अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल, इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मशीनें लगी होंगी, जरा विजुलाइज करने की तरह क्लॉथ मंगवाया जा रहा होगा,
फिर इन मशीनों को कोई एम्प्लॉयज ऑपरेट कर रहे होंगे और स्टिचिंग कर रहे होंगे, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी कहाँ से रॉ मटेरियल कहाँ आ रहा होगा, स्टोर रूम से आ रहा होगा, स्टोर रूम से कम होके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ रहा होगा। ठीक है, क्या ये हो सकता है कि कुछ पीरियड के एंड पे रॉ मटेरियल का स्टॉक बचा हो? क्या ये हो सकता है पीरियड के स्टार्ट में भी कुछ पड़ा हो? आप रोज सुनते हैं, बाकी जगह लिखने की जरूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह मैं खुद लिखूंगा। Is it possible कि कुछ opening stock of raw material हो? Opening stock of raw material का बड़ा मतलब ही होता है, let's assume कि हम अपनी जो accounting है वो 1st January 2021 से December 2022 वाली year के लिए कर रहे हैं। तो business का first year होगा, इसका क्या मतलब business का first year? इसी साल अगर तो स्टार्ट किया फिर तो इस साल के शुरू में शायद कुछ ना हो, लेकिन लेट्स अज्यूम नेक्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर वगैरह, तो पीरियड के स्टार्ट पे जिस रॉ मटेरियल स्टोर रूम में क्लॉथ पड़ा होगा उसे कहेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और अगर पीरियड के एंड पे कोई स्टॉक बच जाए उसे क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एग्जाम्पल 5 लाख है, आपने 18 लाख का रॉ मटेरियल इस स्टोर रूम से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। कैलकुलेटर की जरूरत है तो कर लेना, 5 लाख क्या था नाम बोले तो बड़ा 20 लाख और खरीदा परचेजेस प्लस हो गया। ठीक है, 18 लाख का इसमें से इशू हो गया, सेल हो गया या इशू हो गया, कहाँ इशू हो गया? तो यही जो इशू है ये कंज्यूम होगा। क्या मतलब कंज्यूम? इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल, बेचना नहीं हमने, ये रॉ मटेरियल बेचना नहीं है, बेचनी तो फिनिश गुड्स है बना के। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5 लाख, परचेजेस सपोज 20 लाख, 18 लाख का इशू हो गया, क्या कुछ बच गया? 7 लाख का तो बच गया, वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या ऐसे भी कैलकुलेट हो सकता है? हिम्मत कीजिएगा, एक तो मैं इसमें वर्किंग करती हूँ आपके सामने, ओपनिंग 5 लाख, 20 लाख परचेजेस, 25 लाख हो गया। अब अगर मैं आपको बता दूं कि 7 लाख क्लोजिंग रॉ मटेरियल रह गया, तो क्या 18 लाख को कैलकुलेटर में भी सॉल्व किया जा सकता है? परचेजेस ओपनिंग सॉरी 5 लाख प्लस क्या हुआ और माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 18 लाख का नाम क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल इश्यू या रॉ मटेरियल कंज्यूम लफ्ज बोला जाता है। तो ये सब कुछ किस जगह कैलकुलेट होगा? रॉ मटेरियल स्टोर रूम में। यकीनन आपने लिखना है, लेकिन इंशाल्लाह मैं फिर खुद दोबारा से तरतीब से लिखवाऊंगा। लफ्ज कुछ हजम हो गए, परचेज मीन्स क्या है? जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, और कंज्यूम मीन्स क्या है? रॉ मटेरियल कहाँ से जाके कहाँ इस्तेमाल होगा? रॉ मटेरियल शोरूम से जाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होगा। अब आ जाएगा कहेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, अपने ही समझे, अपने ही मीन्स आप की अपनी फैक्ट्री है, आपके माशाल्लाह एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल इन दिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पीरियड के स्टार्ट में कुछ सेमी फिनिश शर्ट्स हों, शर्ट्स पे काम हो रहा था लेकिन पिछला साल एंड आ गया, शर्ट्स कंप्लीट नहीं हो सकी थी, उनको क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोसेस। लेकिन कौन सा सा वर्ड लगा देंगे? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का मीनिंग क्या होगा? साल के शुरू में जो गुड्स बन रही हैं क्या कहलाएंगी? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। और साल के एंड में अगर बन रही है तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यहाँ भी हो सकता है। फिर क्या ये हो सकता है कि कुछ गुड्स बन के, कुछ गुड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से शर्ट्स कंप्लीट हो के ट्रांसफर हो गई और फिनिश गुड्स स्टोर में? अब इसमें बड़ा ये जरूरी नहीं होता है कि जैसे गुड्स कंप्लीट हो वो साथ ही आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ही भेज दें। पहला क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से गुड्स बन के आप फिनिश गुड्स स्टोर रूम बना लेंगे, उसमें रख देंगे, और फिर जैसे जैसे कस्टमर्स के ऑर्डर आते जाएंगे आप फिनिश गुड्स स्टोर रूम से सेल करते रहेंगे।
आइडियली शायद ये भी हो सकता है कि अगर पहले से ऑर्डर्स अवेलेबल हो तो फिर किस एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से गुड्स निकल जाए, तो कस्टमर के ऑर्डर्स पहले थे और हम चीजें बनाकर बस भेजते जा रहे हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि पहले आप गुड्स बना के रखते हो और बाद में उसको सेल करते हो, तो फिर गुड्स बना के कहाँ रखेंगे आप, कहाँ रखेंगे फिनिश गुड्स स्टोर रूम में रखेंगे, सब ओके सर। और फिर जैसे जैसे ऑर्डर्स आते रहेंगे, डिमांड आती रहेगी, फिनिश गुड्स स्टोर रूम से मेरा चीजें सेल करते हैं, सप्लाई या सेल। परचेज क्या किया और कहाँ आ गया, नहीं तो मतलब प्रॉमिटी शोरूम में आ गया, जैसे जैसे जरूरत पड़ी कहाँ से कहाँ आ गया, स्टोरूम से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फिर रॉ मटेरियल की जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई, गुड्स कंप्लीट हो गई, कहाँ आ गई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से निकल के फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट। ये कुछ एक्स्ट्रा जगह अभी रखनी है आपने, मेरा ख्याल यहाँ तक बना ले थोड़ा सा, आप जरा यूज हो जाएंगे, इतनी सी जरा आधा सफा यूज करना था खुला सफा। मैं लास्ट बोलता रह रहा हूँ, चलो फिर मैं इसको खुद एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ये डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ छोटे छोटे लिखवा देता हूँ। जी बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ ही, कोई इशू तो नहीं, कुछ मुझे भी बता रहे सर, मैं बोर हो रहा हूँ अभी, हंस लेता हूँ, मेरे लेवल की बात नहीं, अब हाथ रख के बोलना शुरू कर दिया, कम से कम हाथ ही उठाने चांस तो मेरे तक आने। ये जिन हजरात ने फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग का लफ्ज आज वैसे सुना, कोई इशू तो नहीं, आपके लिए जरा थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहूंगा 10-15 दिन, उसके बाद फिर क्या होगा, नहीं नहीं फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है यूज्ड हो जाएंगे, लेकिन अगर आप फिर भी कॉन्शियस रह गए तो आपने तो पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है, तो खासतौर पर उनका तो नहीं कोई सवाल, सर ये डेली बेसिस पे पढ़ने की जरूरत है सर, और आसान चीजें ही अगर सही हों तभी बात आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ जाती है, अगर इन्हीं चीजों को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली हर चीज लिंक्ड है आपस में, अगली बात भी सही समझ नहीं आ सकेगी। जी चलेंगे भी फैक्ट्री के अंदर ये भी हम है, ये तो वो तीन मेन जगह है जो इस्तेमाल होनी है फिनिश गुड्स बना के और रखने के लिए, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक, लेकिन बहुत से और भी इफेक्टिव में डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं सपोर्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए, ताकि एक अच्छी क्वालिटी की गुड्स बन सके, वंस अगेन फैक्ट्री के अंदर और अपनी फैक्ट्री डिपार्टमेंट, सर पहले आपने उनके नाम ना सुने वो मेरे से सुना, सबसे बड़े क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं, आप ये बताइए सर क्या मकसद होगा। देखिए जो शर्ट्स बन रही है अगर, तो फॉर एग्जांपल आप इम्प्लॉइज पे ही छोड़ दें तो जैसे मर्जी प्रोडक्शन करते रहे तो शुरू में हो सकता है अगर उनकी मोटिवेशन हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान शायद जब उसे कोई सुपरवाइज ना कर रहा हो तो शायद रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, देर पर चीज़ों की फिर क्वालिटी वो नहीं रहती जो होनी चाहिए, तो इसे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाने का मकसद क्या होता है कि वो बार बार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाते रहे, और एक ये भी हो सकता है चीज़ें बनने के बाद उन्हें चेक किया जा रहा हो, लेकिन उसका कहता है शायद बहुत देर हो जाएगी, अगर चीजें खराब हो गई हैं और सही नहीं बनी वो तो फिर लॉस हो जाएगा, क्या ख्याल है, अगर शर्ट्स एक रिक्वायर्ड क्वालिटी से हल्की क्वालिटी की बन रही हैं और आप उस वक्त जाकर देख रहे हैं जब शर्ट्स बन गई हैं, तो फिर तो अगर आप करेक्टिव मेजर लेंगे भी तो नेक्स्ट के भी ले सकेंगे, तो नुकसान हो जाएगा चीजों का, इसलिए बेहतर क्या है कि साथ साथ क्वालिटी इंश्योर करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज रखे जाए जिनका काम ही क्या हो कि क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके कि सर्टन क्वालिटी ही की प्रोडक्ट्स बने, समझ आती है। अब इन्होंने खुद शर्ट शर्ट बनानी नहीं है, इनका काम क्या होगा, सुपरविजन करना और क्वालिटी को इंश्योर करना, क्या हमारा एक्सपेंस इस पे भी आ रहा होगा, सर आ रहा होगा सर, इन्हें भी देनी पड़ी होगी,
इनका भी अगर कोई डिपार्टमेंट है तो ये भी जिस रूम वगैरह में बैठते होंगे वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह भी होंगे, ठीक है, तो खर्चे वहाँ भी होंगे। और आगे अगर चला जाए तो क्वालिटी कंट्रोल के बाद आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सही है जी। बड़ी फैक्ट्रीज में, बड़ी फैक्ट्रीज नॉर्मली शहरों से दूर जरा इसलिए भी बनाई जाती हैं क्योंकि शहरों में जरा आजकल पोल्यूशन वगैरह का इस तरह के वर्ड सुनते होंगे, तो गवर्नमेंट जो है परमिशन देती है फैक्ट्रीज को जरा किसी कंपैरेटिवली शहरों से, मेन एरिया से, आबादी से हट के बनाने। तो अगर आपकी फैक्ट्री कहीं दूर है तो फिर अगर कोई मशीनरी का प्रॉब्लम आ जाए और आपने कोई रिपेयर मेंटेनेंस की बंदा जाकर किसी शहर से जाकर लेना लाना पड़े, उसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर उसको लाने ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन फिंगर होगी। अगर फैक्ट्री बड़ी है तो फिर फैक्ट्री की बिल्डिंग या मशीनरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए अपना ही डिपार्टमेंट बना लिया जाता है। इसमें भी फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंजीनियर्स होंगे, और अगर कोई मशीनरी बहुत ज्यादा टेक्निकल है तो हो सकता है बड़े टेक्निकल इंजीनियर्स आपने रखे हो, उनका काम क्या होगा, तो जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए प्रोडक्शन में, मशीनों में प्रॉब्लम आए, उसको साथ ही रिपेयर करके, रिमूव करके ठीक कर लिया जाए, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई डिपार्टमेंट होगा तो इन्होंने भी डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं करनी। इन डिपार्टमेंट्स को मैं अभी मैंने एक नाम दिया था, ये सपोर्ट डिपार्टमेंट, ये प्रोडक्शन डायरेक्टली तो नहीं कर रहे लेकिन इनडायरेक्टली ये किस चीज को सपोर्ट ही कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन को सपोर्ट कर, ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ रही। देन सर जरा एक और इंग्लिश भी सोचा रहे थे, समटाइम्स फैक्ट्रीज में खासतौर पर अगर थोड़ा साइज बड़ा हो जाए और कोई काम ऐसा हो जिसमें इंजरी का खतरा हो एम्प्लॉयज को, जी तो डिस्पेंसरी बनाने का भी कॉन्सेप्ट होता है। मतलब फुल स्केल पे कोई हॉस्पिटल तो शायद नहीं, लेकिन एक डिस्पेंसरी, ताकि अगर किसी फर्स्ट फर्स्ट एड सॉर्ट ऑफ जैसे ये लफ्ज़ हो, तो इसमें भी अब क्या होना है, इसमें प्रोडक्शन होनी है। तो ये तो तीन एरियाज मैंने बनाए, कौन कौन सा नाम बोले, क्वालिटी कंट्रोल है, रिपेयर मेंटेनेंस है, डिस्पेंसरी सॉर्ट ऑफ है, यहाँ प्रोडक्शन नहीं होनी, इन्होंने इनडायरेक्टली प्रोडक्शन को सपोर्ट। इसी तरह अगर एम्प्लॉयज हो तो कैफेटेरिया होना चाहिए, नहीं एंजॉयमेंट नहीं सर, खाने वगैरह के लिए, क्या खाना एंजॉयमेंट है, ठीक है, एंजॉयमेंट भी अपनी जगह, लेकिन एक बेसिक नेसेसिटी भी। तो एम्प्लॉयज अगर है, प्रोडक्शन हो रही है, दोपहर का वक्त आ गया है, तो घर से बेचारे इतनी दूर दूर से, आपने देखा होगा कि बसें जा रही हैं जिसमें एम्प्लॉयज जा रहे हैं, तो सुबह सुबह, तो वहाँ नहीं, सुबह सुबह अगर रखा जाए कभी तो फैक्ट्रीज लाहौर से बाहर जो है, तो अब वो बेचारे अपना खाना साथ उठाए लेके आए, कितना बुरा लगेगा आपको, तो बेहतर क्या होगा, आपका दिल क्या करता होगा कि इन्हें मैं खाना खुद प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जिस जगह पे आप प्रोवाइड करेंगे कैफेटेरिया, वहां उनके लिए खाने का अरेंजमेंट होगा। क्या ये जरूरी है प्रोडक्शन के लिए, क्या खाना ना खाया गया तो प्रोडक्शन होते ना करें सर, ना इतने जालिम ना बने, एक सेकंड के हम एम्प्लॉय बन जाते, एम्प्लॉय के लिए अगर एम्प्लॉय बन जाते, क्या प्रोडक्शन के लिए हमें खाना खिलाना चाहिए, अब आप इधर ऑफिस चले रहे हैं तो खिला देना चाहिए, तो इतना इश्यू नहीं, इसमें खाना भी रहने बैलेंस करके देखो, ठीक है सर। और आप जैसे नौजवान होंगे तो नमाज के वक्त पे आप काम छोड़ देते होंगे और बाद में टाइम पे आके काम दोबारा शुरू कर देते होंगे, तो एक मस्जिद की जरूरत भी पड़ेगी आप नौजवान अगर होंगे। और फिर देन एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, मतलब फैक्ट्री अपनी पूरी कर देंगे, इसमें सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होंगे, ठीक है, तो सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने एक छोटी सी फैक्ट्री आपके सामने बनाने की कोशिश की, फैक्ट्री पूरी करना, किसका, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, फैक्ट्री का नाम क्या रखें, हुक्म करें सर नाम आपका, चल सोच लेते भाई, सही भाई ने बताया सीएमए फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री कंप्लीट कर। बाकी इसमें मैंने अभी भाई ने एक नाम बोला, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, अगर बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन रूट चीजों का आना जाना है, उसमें ट्रक्स वगैरह कहीं खड़े होंगे, और भी चीजें हो सकती हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि एक पिक्चर सी जहन में आ जाए कि फैक्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, कंप्लीट कर ले, पर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन अगर किसी के, पहले आपस में बातें जरा अवॉइड ही करें यार, रास्ते में अच्छे लगते हैं आप, लेकिन क्लास के बाहर अगर ऐसा जाए तो मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर, कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, छोटी छोटी चीजें सही क्लियर होनी चाहिए, बाकी दोस्त यार तो यकीन इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस आपने जो कहा ना सुल्तान साहब, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नॉर्मली एक अलग बिल्डिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफिस एक वर्ड सुना होगा आपने, yes, फैक्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के वजह से भी एक, चलिए छोटा सा ये हिस्सा बना लें,
फैक्ट्री का मैनेजर ठीक होता है तो फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, एक एक हेड ऑफिस लफ्ज होता है, तो वो मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। एक फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन का फैक्ट्री मैनेजर जहाँ बैठना मैंने उस जगह बना दिया था, तो ये भी अगर बीच में कहीं कैफेटेरिया छोटा कर लेता हूँ। एक सेलिंग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, तो वो मैं अभी उधर आता हूँ। मैंने जो ये बनाई है फैक्ट्री, इस फैक्ट्री का सोल सोल मीन्स वाहिद मकसद क्या है, यहाँ सिर्फ चीजें बननी है। लेकिन बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेशन एक लफ्ज होता है, बिजनेस में भी सेलिंग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, मैंने अभी उसकी बात नहीं की, तो वो एक अलग जगह बनाएंगे हम। फैक्ट्री का मकसद क्या है, प्रोडक्शन होता है। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जो शायद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और बाकी जो मैंने बनाया इवन रॉ मटेरियल स्टोर रूम है, फिनिश गुड स्टोर रूम है, या बाकी जो मैंने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, इनका मकसद क्या है, इनडायरेक्टली प्रोडक्शन को सपोर्ट करना। अगर आप अपनी फैक्ट्री विजुलाइज करें, क्वेश्चन आपसे, तो क्या आपने कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट बनाया होगा जो जरूरत ना हो जिसकी? तो जो भी आप खर्चा फैक्ट्री के अंदर कर रहे होंगे, जिस भी नाम से कर रहे होंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, चीजें सही क्वालिटी की बन जाए। मैन्युफैक्चर करना चीजें, ये फैक्ट्री का काम। क्लियर है मेरी बात? सारी बात मेरी क्लियर है? इस डिस्कशन के स्टार्ट में मैंने तीन लफ्ज बोले थे, उन तीन लफ्जों की बेस पे जरा एक दफा दोबारा फैक्ट्री देखते हैं। सबसे पहले इस फैक्ट्री में मटेरियल कॉस्ट आ गया, ठीक है, रॉ मटेरियल भी एक लफ्ज बाद में आ गया, क्या रॉ मटेरियल या मटेरियल कॉस्ट इंकर होगी? नंबर टू, क्या लेबर कॉस्ट इंकर होगी? लेकिन लेबर कहाँ कहाँ होगी? हर जगह होगी, हर जगह होगी, हर जगह होगी, हर डिपार्टमेंट में। स्टोर रूम का भी अपना चार्ज होता है, उसका काम ही होता है कि रॉ मटेरियल जो पड़ा है रॉ मटेरियल स्टोर रूम में, उसको प्रॉपरली लुक आफ्टर करे, जिसने मंगवाया उसके मनमाने पे उसे भेजा जाए, इंश्योर करे कि पड़ा पड़ा खराब ना हो। फिर फिनिश गुड्स का अपना एक इंचार्ज होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज होंगे, रिपेयर मेंटेनेंस में होंगे, एंड सो ऑन। तो पूरी फैक्ट्री में लेबर कॉस्ट मीन्स उनकी सैलरी की कॉस्ट आएगी, और इस तरह अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जनरेटर यूज हो रहे हैं, जनरेटर का फ्यूल यूज होगा, इसी तरह एसेट्स की डेप्रिसिएशन होती है। सुना अभी? अब जो मेरे एफ वन वाले भाई हैं वो इंशाल्लाह सुन लेंगे कुछ दिन बाद, वो भी टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो सारे आप अदरवाइज मेरा खर्चा बोल रहे हैं, दो मेन कौन से बोल रहे हैं, पहले मैं मटीरियल बोला और फिर मेरे लेबर कॉस्ट बोल रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कोई रिपेयर मेंटेनेंस है, एसेट्स की इंश्योरेंस है, ये सारे खर्चे भी अगर हों, तो इन सबको मटीरियल और लेबर के अलावा कोई भी खर्चा हो जाए उसको क्या बोला जाता है, फैक्ट्री ओवर हेड्स बोला जाता है। तो नेक्स्ट खड़ी लेकिन बस एक आखिरी बात बात कर लेते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ three main types of costs, it means the word incurred, three main types of costs incurred in factory. Nagar sir ji, don't disturb others. नंबर वन मटेरियल कॉस्ट, बाकी ठीक है मैं रॉ मटेरियल भी लगाऊंगा, मेन मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, और मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी खर्चा फैक्ट्री में होगा, क्या बोला मैंने सेंटेंस, मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी खर्चा फैक्ट्री के अंदर होगा उसे कंबाइंड नाम क्या दिया जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं, लेकिन सिंपली फैक्ट्री ओवरहेड्स वर्ड यूज होता है। मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या इन तीन लफ्जों में मैंने फैक्ट्री के सारे खर्चों का, फैक्ट्री के सारे खर्चों को इकट्ठा कर लिया है? फैक्ट्री ओवरहेड्स मैंने क्या बताया? नहीं, वो एग्जांपल मेरे एग्जांपल से हम जाएंगे, एग्जांपल्स मेरे लिए हैं, मैंने वैसे दो तीन बता दिया। याद रखने का आसान तरीका क्या है, मटेरियल और लेबर के अलावा जो खर्चा फैक्ट्री के अंदर होगा वो क्या बोला जाएगा, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो इन तीनों को अगर हम सम कर लें, किन तीनों को, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स को अगर हम सम कर लें, तो इस सम का नाम होता है
टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लेट्स अज्यूम 5 लाख मटेरियल, 4 लाख रुपीज लेबर कॉस्ट, जस्ट फॉर अ डिस्कशन, फॉर अ सॉर्ट ऑफ अ डिस्कशन, एंड 6 लाख फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो 15 लाख अगर इनको सम कर ले रहे हैं तो 15 लाख का नाम क्या हो जाएगा, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन जो हम फैक्ट्री अपनी बना रहे हैं, शर्ट्स का बनाने की कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग चीजें बनाने की कॉस्ट अगर आपने इकट्ठी करनी है तो ये 3 लफ्ज कैंडी यहाँ से ऑनवर्ड्स हर वक्त जहन रखने हैं। कौन सा? मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री। बाकी डेफिनेटली इसकी फर्दर डिटेल्स क्या है वो इंशाल्लाह मेरा काम है। कोई आज की डिस्कशन में कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? चलो बेटा इंशाल्लाह बाकी फिर बहस कल से शुरू करेंगे। बुक्स की कोई टेंशन नहीं है, आपने सिर्फ क्या करना है रोज रेगुलरली आना, इसके अलावा कोई भी अगर आपके जहन में सवाल है तो उसकी जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह वो साथ साथ ही एड्रेस होगा। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कर लेते हैं बात, इनको ग्रुप ग्रुप कर लीजिए, ग्रुप पे शेयर अभी आपको कर लेते हैं।